हेलो गाइस, मैं हूँ सीरत एंड वेलकम बैक टू सीरस फ्लेवर। तो आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ पनीर टिक्के की, जिसे हम सोफियाना पनीर टिक्का बोलते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और इजी हम घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का। इसमें मैं सौंफ का मिक्सचर यूज करूंगी, इसलिए इसे सोफियाना पनीर बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं सोफियाना पनीर टिक्का। उसके लिए पहले मैं एक पैन लूंगी, पैन में मैं सौंफ डालूंगी और एक दो हम इलायची डालेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में दो इलायची एंड सौंफ डाली है, ये जो वो खाने वाली मीठी सौंफ होती है मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। और इसे हम पैन में थोड़ी देर सौते करेंगे, हल्का सा रेडनेस आ जाएगी, बहुत ही हल्की सी, लाइक दिस। थोड़ा सा हम इसे, ये देखिए इस तरह से रेडनेस आ गया। अब हम इसे बंद कर देंगे गैस को और एक जार लेंगे मिक्सी का, उसमें एक दो पीसेस जिंजर गार्लिक के डालेंगे और जो हमने सौंफ भुनी थी उसे भी डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्सी चला के इसका पेस्ट बनाएंगे इस तरह। अब मैं एक पैन लूँगी, पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा दो बड़े चम्मच बेसन डालूंगी। देखिए ये वाला चम्मच मैंने यूज़ किया है, इसे हमें भूनना है। इसे भूनेंगे तो ये हमारा कच्चा नहीं लगेगा। अगर हम इसको हम मैरिनेट करने के लिए मैं बना रही हूँ, इसमें मैं पनीर डालूंगी, लेकिन अगर हम ऐसे भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा। ये इस तरह से मैंने भून लिया है, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और जो हमने मसाला बनाया था, पेस्ट बनाया था, वो भी इसमें थोड़ी सी मैंने टर्मरिक एंड सॉल्ट डाला है। इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर, जो वाइट पेपर आता है वो, एंड मैंने इसमें अमूल क्रीम यूज़ करी है। आप चाहें तो इसमें कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पर अमूल क्रीम डालने से अलग ही इसका अपना फ्लेवर आता है। और आधा नींबू, तो इसका ये पूरा का पूरा मैरिनेशन बन चुका है। इसमें अब हम अनियन, कैप्सिकम, आप कोई भी कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं, या मेरे पास ग्रीन वाली थी तो मैं ग्रीन, जो भी आपका घर में है अवेलेबल आप वो यूज़ कर सकते हैं। पनीर के क्यूब डाल के इसको मैरिनेशन के लिए मैंने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने ये वाली स्टिक ली है जिसमें मैं एक एक करके, देखिए मैंने इस तरह से सारे पनीर लगा दिए हैं। और इसे मैं तवे पे बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा लूँगी, देखिए, और इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करूँगी। बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करके पनीर टिक्का हम घर पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमें इसमें ग्रिलर या किसी चीज़ की ज़रूरत है। देखिए सारे पनीर टिक्के मैंने इसमें रख दिए हैं और आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से ये भून चुके हैं। और इसे अब मैं सर्व करूँगी। तो आप ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।